हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। सुबह के 4 बजे हैं और देखिए मैं उठ चुका हूँ जी। और देख सकते हैं अभी मुझे जाना है शाकुंभरी, तो उससे पहले मैं अपने कपड़े प्रेस करता हूँ और फिर चलता हूँ नहा धोकर। प्रेस मैंने लगा दी है, तो अब जो अब प्रेस करनी है, कपड़े प्रेस हो चुकी है और शर्ट पर भी, ये रही शर्ट। हेलो दोस्तों, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हुए। तो देखिए जी, मैं नहा लिया हूँ, रेडी हूँ एकदम माँ शाकुंभरी देवी के दरबार में जाने के लिए। और मैं और मेरे दोस्त जा रहे हैं, बाइक से जाएंगे। यहाँ से 125 किलोमीटर का सफ़र है, 4:45 बज चुके हैं और हम रेडी हैं बिल्कुल। और 10-5 मिनट लगेगी, तो 5 बजे यहाँ से निकलना सोच रहे हैं। बिल्कुल 5 बजे रेडी होके निकल जाएंगे यहाँ से माता के दरबार की ओर। 5:10 हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। तो मैं बिल्कुल फिट हो चुका हूँ माता पर, तो फोन आने की देर है। जो मेरे दोस्त है वे अभी तक रेडी नहीं हुए मेरे लिए, उनका फोन आते हर मैं चल दूंगा यहाँ से। चाचा और पिताजी जाग चुके हैं, प्रीति चाची जाग चुकी हैं और बाकी सब सो रहे हैं। चाची ने पापा जी ने डंगरों को झाड़ू भी लगा दी डंगरों के पास, और साफ सफाई भी कर दी है, दूध निकाल लिया। तो देखिए, सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। अब हम अपने गांव से निकले हैं और यहाँ से 5:30 बज गए हैं जी, 5:30 बज चुके हैं जी, और हम चलते हैं माता के दरबार की ओर। तो हमारे यहाँ से जो है 125 किलोमीटर के आसपास माता का दरबार है, माँ शाकुंभरी देवी का, तो आपको दर्शन कराएंगे आज, चलते हैं जी। सूर्य देव भी उदय हो चुके हैं, देखिए वो 6:15 बज चुके हैं। हम निकल गए हैं गांव से कम 10-15 किलोमीटर दूर आ चुके हैं जी हम, तो अपना आगे का सफ़र फिर से शुरू करते हैं। ये माता की भव्य यात्रा पहली बार देख रहा हूँ, मतलब इतनी भव्य यात्रा नहीं, एक बार और पहले देखी थी जब मैं सहारनपुर ज़िले में ही काम करता था, जॉब करता था, उस टाइम भी मैंने देखी है यहाँ पर, लेकिन आज तो मैं कम से कम 9-10 से देखता रहा हूँ। और सहारनपुर में आ चुका हूँ, 50 किलोमीटर दूर, यहाँ तक भी आप देख सकते हैं माता के दरबार में जाने के लिए कितने भक्तजन पैदल पैदल चल रहे हैं और डीजे के पीछे चल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जिसका जैसे सावन में कांवड़ चलती है ना, ऐसे ही यहाँ पर माता के श्रद्धालु पैदल चल रहे हैं डीजे के साथ और झांकियों के साथ, माता रानी का जयकारा लगाते हुए सभी भक्तजन चल रहे हैं पैदल। अपने
आगे निकले हैं जी बेट के रास्ते। बेट यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर रह गया और रास्ते में आपने देखा कितनी भीड़ है माता के दर्शन के लिए। वो देखिए बेट पहुँच चुका है जी। तो बेट गेट है ये माता शाकुंभरी के लिए जाने का, तो चलते हैं जी माता शाकुंभरी के और आपको दिखाया जी कितनी पीछे भीड़ है माता के भक्तों की, जो भी आ रहे हैं पैदल पैदल तो वही शाम तक पहुंच जाएंगे, कोई रात तक पहुंच जाएगा, कोई शाम तक पहुंचेगा और कोई दोपहर तक पहुंच जाएगा। माता के दर्शन करने हैं सबको। माता के दरबार पहुंच चुका है जी जिला पंचायत सहारनपुर सिद्धपीठ श्री माँ शाकुंभरी देवी। और आ चुके हैं हम शाकुंभरी द्वार पर और बहुत ज़्यादा भीड़ है, पद यात्रा चल रही है माँ शाकुंभरी देवी की, तो कुछ वक्त शाम तक पहुँच जाएंगे और कुछ दोपहर तक पहुँच जाएंगे, तो पीछे बहुत ही भीड़ लगी हुई है। माता जी के दरबार पहुंच चुके हैं, यहाँ पर भोरा देव जी में सबसे पहले प्रसाद चढ़ाया जाएगा। प्रसाद शाम जो है बुढ़ाने से ले आए थे हम और इसमें लड्डू हैं और कुछ प्रसाद यहाँ से लेंगे अभी दुकान से, पान के पत्ते के लौंग हो गई, सुपारी हो गई, इलायची हो गई, प्रसाद हो गया लड्डू का और क्या होगा जी और दो पत्ती घी कुछ कुछ इसमें लड़ू में सर्वप्रथम भोरे देव जी पर प्रसाद चढ़ाते हैं। तो यहीं पर सबसे पहले हम आए हैं और देखें अभी कितनी छीत पड़ी है, लेकिन पीछे भक्तजनों का सैलाब आ रहा है, बहुत ही भीड़ है पीछे, वे जो है शाम तक दोपहर तक यहाँ पर आ जाएंगे। प्रसाद गुरुदेव के चढ़ाते हैं और अब चलते हैं माता के दरबार में शाकुंभरी देवी के। प्रसाद बैठे थे माता जी के राम का चंदोटी है ये हो गया माता प्रसाद, तो चलते हैं आगे भैया बहुत कला हुआ। रेट पूछ ले फिर अगे भी रेट पूछते होंगे। अब यहाँ से थोड़ा प्रसाद लेना है और इसके बाद चलते हैं अंदर की ओर माता के दरबार में प्रसाद चढ़ाने के लिए। प्रसाद ले लिया माता के दरबार में, चल दी है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आ चुके हैं जी माता के दरबार में,
प्रवेश कर रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। माता के दरबार में प्रसाद चढ़ा दिया है, लेकिन वहाँ की वीडियो अलाउ नहीं है, फोटो खींचना भी अलाउ नहीं है, इसलिए बाहर से ही वीडियो बना रहा हूँ मैं। मेरे बना चिपके हैं भाई, माता रानी ने गहरी पका दी। मेरे वाला सिक्का ही रहा माता के तरफ। जय हो, जय माता दी। प्रसाद चढ़ा के हम आ चुके हैं माता के दरबार से। देखें देखे माता के भक्त कैसे लेट लेट कर माता की यात्रा पूरी कर रहे हैं। जय जय माता। शाकुंभरी देवी के दर्शन करने के बाद आ चुके हैं माँ छिन्नमस्तक देवी के मंदिर में, यहाँ पर भी प्रसाद चढ़ाते हैं। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। देख कितनी अच्छी पहाड़ी आई है। और यहाँ देखिए एक माता के भक्त गाय माता को पानी पिला रही है ओख से। ये होती है कठिन भक्ति। देखिए लेट कर माता के दरबार में जाना, ये भूरादेव के यहाँ से और माँ शाकुंभरी देवी के दरबार तक लेटते हुए आते हैं। कम से कम 1.5 किलोमीटर का सफ़र है जो लेट के पूरा करते हैं। ये वे भक्त हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, या फिर अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए ऐसे लेट कर आते हैं। झंडे खरीदारी कर रहे हैं जी। देखिए यहाँ पर खड़े हैं, झंडे ले रहे हैं। एक राम जी का लिया है, श्री राम जी का, और दूसरा लिया है माता का। जो गढ़ लगाएंगे हम झंडे जी, हमने खरीद लिया है। हेलो खरीदे झंडे जी, दो झंडे मैंने लिए हैं, एक जो है राजेश भाई ने लिए हैं, तो दोनों झंडे ले लिए हैं। तो चलते हैं क्या अपने घर के। बड़ी कठिनाई के साथ लगा रहे हैं।